अब देश में वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड का सपना अब साकार हो गया है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन कार्ड के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में वन नेशन वन कार्ड है क्या, इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, ये किसने बनाया है, ये आप कहाँ से परचेस करते हैं। सबसे पहले 5 मार्च 2019 को नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च किया था। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इंडिजीनियसली का मतलब होता है देश का, खुद का, अपना बनाया हुआ। मोबिलिटी मीन्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। एक ही कार्ड की मदद से आप पूरे देश के अंदर कहीं पर भी किसी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आप इस कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब तक क्या था, दिल्ली मेट्रो के आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो दिल्ली मेट्रो का अलग कार्ड आता था जो मुंबई मेट्रो में नहीं चलता था। मुंबई मेट्रो में आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसका आपको अलग से कार्ड बनवाना पड़ता है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन एक कार्ड हमने बनाया, सिर्फ इस कार्ड की मदद से आप पूरे देश के अंदर कहीं पर भी किसी भी मेट्रो में, रेल में आप इस कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इवन आप कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, देश के अंदर कोई भी कहीं पर भी आप इस कार्ड के मदद से पेमेंट कर सकते हैं। इवन इसको आप एटीएम की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप एटीएम की मशीन में जाके इससे आप पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। इस कार्ड के वैसे बहुत सारे फायदे हैं, मतलब कि इस सभी कार्ड को मर्ज करके हमने एक कार्ड बना दिया है, मतलब कि वन नेशन वन कार्ड। इसका मतलब यही होता है कि एक राष्ट्र एक कार्ड। अब आपको बहुत सारे कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेट्रो का अलग से कार्ड, दूसरा कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं, आप एक ही कार्ड की मदद से पूरे देश में कहीं पर भी आप इसको थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मोस्टली हाल अत्यारे देश में परिस्थिति ऐसी है कि मोस्ट ऑफ लोग कार्ड से पेमेंट करना नहीं चाहते, मोस्ट ऑफ वो कैश से पेमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसको मेट्रो में जाना हो तो उसका अलग से कार्ड लेना पड़ता है, कहीं भी उसका अलग से कार्ड लेना होता है, तो लोग क्या है कार्ड से पेमेंट करना टालते हैं। लेकिन अब क्या एक ही कार्ड होगा तो लोग भी प्रेरित होंगे कि वो इस कार्ड के थ्रू पेमेंट करें, जो कि एक अच्छा कदम है कैशलेस इंडिया की तरफ से, जो आप सबका और हमारा और मोदी जी का सपना है कि कैशलेस इंडिया बने। एक कार्ड की और खासियत यह है कि अब तक जो मोबिलिटी कार्ड थे वो का तो मास्टर कार्ड थे या फिर वीज़ा कार्ड थे, मतलब कि वो इंडिया के बनाए हुए नहीं थे, वो फॉरेन कंट्री का था। लेकिन एक कार्ड है जो हमने इंडिया के अंदर ही बनाया है, जो रुपये कार्ड है, मतलब ये एक हमने एक और कदम बनाया है मेक इन इंडिया की तरफ से। अब हम इंडिया में यूज़ करने वाली चीज़ ही इंडिया में यूज़ करेंगे, बनने वाली चीज़ ही इंडिया में यूज़ करेंगे। एक कार्ड बनाया है NPCI ने। NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने भीम ऐप हमारा बनाया है, जिसने रुपए का कार्ड आता है SBI का, और बहुत सारे बैंक का रुपए का कार्ड है वो भी NPCI ने बनाया था। और एक ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी ने सब कुछ किया, इसके साथ दो और कंपनी भी कोलेबरेट हुई थी जो है CDEC और भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अब एक बार इस कार्ड को देख लेते हैं। एक कार्ड में राइट हैंड साइड CDEC का मेंशन किया हुआ है, बीच में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का मेंशन किया हुआ है, लेफ्ट साइड में भेल का आइकॉन दिया हुआ है, और यहाँ पे राइट साइड में नीचे रुपए का भी मेंशन किया हुआ है। तो ये थी एनालिसिस पूरे इस कार्ड के बारे में। तो आप सबको बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।